जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंभ राशि के लोगों के लिए मई और जून का महीना बेहद भाग्यशाली होने वाला है, बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि दो ग्रह ऐसे हैं जो इन दो महीनों में भारी मुनाफा दिलाने वाले हैं। आपके लिए इन दो महीनों को बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाला बनाने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं हम कुंभ राशि के लोगों के लिए कि ये मई का महीना और ये जून का महीना किस वजह से आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है। वो कौन से दो ग्रह हैं जो आपको इस महीने इतना कुछ देकर जाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मई के महीने में जो बुध ग्रह हैं वो पूरा महीने वृषभ राशि यानी आपके चौथे भाव में रहेंगे और अगले महीने यानी जून के महीने में भी चौथे भाव में ही रहेंगे। बस ग्रह वक्री होता है, वक्री होगा, मार्गी होगा, अस्त होगा, बाकी ये वृषभ राशि यानी। और दूसरे हैं शनिदेव। शनिदेव की कृपा से शनिदेव आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे जून के महीने में, तो ये शनि के प्रभाव से भी कारोबारियों को, व्यापारियों को तरक्की होगी। और जहां तक बुध की हम बात कर रहे हैं तो बुध इस मई महीने से लेकर पूरा मई का महीना और पूरा जून का महीना सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि अभी 15 मई से ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। वृषभ राशि में जो बुध के साथ ये युति करेंगे और आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो इस तरह से जो ये बुध हैं और शनि हैं, इनकी दृष्टि इन दो महीनों में आपके लिए कमाल करने वाली है। विद्यार्थी को बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन बुध आपके 12वें भाव में जो बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होगी उसके साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे। अब देखिए, शनि की जो पूर्ण दृष्टि है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी ला सकते हैं, लेकिन आपके कारोबार में, आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके व्यापार में, इन सभी चीजों में ये आपके लिए उत्तम से उत्तम योग का निर्माण करेगी। इस दो महीनों में आप ये कह सकते हैं, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में जो 15 मई से आगे का समय होगा तब स्थितियां बहुत ही ज्यादा प्रबल होंगी, क्योंकि तब बुधादित्य योग होगा बुध के साथ सूर्य का, जो आपके चौथे भाव में होगा, जो आपके माता का भाव भी होता है, जो आपके परिवार का भाव भी होता है। तो यहां से स्थितियां बहुत ही अच्छी तरीके से निर्मित होनी शुरू होंगी। 3 जून को बुध जो है वो अपनी प्रारंभ अवस्था में आ जाएंगे, यानी पुनः अपनी ही अवस्था में आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे और वृषभ राशि में पूर्ण रूप से होंगे। और 14 जून तक बुधादित्य योग का संपूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को बहुत अधिक लाभ होगा, व्यापार से आप जुड़े हैं आपको बहुत अधिक लाभ होगा, शोध से आप जुड़े हैं, और तब जो 3 जून के बाद का समय होगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम रहेगा। 3 जून तक थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है जो विद्यार्थी हैं उनको, क्योंकि तब तक बुध जो है अपनी उचित अवस्था में नहीं होंगे, तब आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन 3 जून से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग और बुध का प्रभाव भी, ये दोनों ही विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ देंगे। बुद्धि प्रबल होगी, सोचने की क्षमता अच्छी होगी, आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी होंगी, जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहेंगे, अपनी योजनाओं पर अमल करना चाहेंगे। इस दौरान देखिए, इस महीने के लास्ट से ही मंगल और गुरु की युति बन जाएगी, जो आपके लिए धन आगमन का काम करेगी और जून के महीने तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, जो आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएंगी और स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगी। इसी दौरान जो दूसरे भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और इस समय अवधि में सबसे अधिक जो आपके लिए पदोन्नति और प्रमोशन का कारण बनेगा वो होगा सूर्य और बुध का एक साथ होना, क्योंकि ये जो सूर्य और बुध हैं ये अगले 15 मई से और 14 मई तक तो साथ होंगे, लेकिन बुध तो यहीं इसी भाव में बैठे होंगे, ये सबसे अधिक आपके लिए अच्छा प्रभाव डालेंगे। बस आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, किसी भी तरह की गलतफहमी को बिल्कुल ना पनपने दें अपने कामकाज में। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% उसका लाभ मिले, किसी तरह की गलतफहमी को ना पनपने दें। फिर आपकी पदोन्नति भी पक्की है, आपका प्रमोशन का भी पूर्ण योग है और वो तभी आपको संपूर्ण लाभ दे पाएगा।
आपको अपने बॉस के द्वारा भी सम्मानित किया जा सकता है। जून के महीने में, 3 जून के बाद हम बात कर रहे हैं, तब आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। तो ये वक्त है मई के महीने में मेहनत करने का, प्रयास करने का, ताकि जो अगला महीना आने वाला है उसमें इसका जो पूर्ण लाभ है वो आपको मिल सके। इस महीने में की गई मेहनत आपको अगले महीने में प्रमोशन के रूप में प्राप्त हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आपको, आपने अगर कहीं और भी अप्लाई किया हुआ है तो वहां से आपको नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, या फिर आपको किसी दूसरी जगह, दूसरी कंपनी में भेजा जा सकता है। इस तरह का भी योग बना हुआ है। शनि की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो शनि देखिए आपकी लगन में बैठे हुए हैं। अब मंगल की युति उससे इसी महीने, मई के महीने में ही टूट जाएगी। मंगल और शनि एक साथ थे तब शनि आपकी लगन में बैठकर कारोबारियों को उचित लाभ देंगे, व्यापारियों के लिए उचित लाभ के योग बनाएंगे, सफलता प्राप्त कराएंगे। और अगर किसी प्रतिस्पर्धा में आप होते हैं, चाहे वो आपकी शिक्षा से जुड़ी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे फिर जो व्यापारी हैं उनके बीच में किसी तरह का कॉम्पिटिशन हो, तो उस प्रतिस्पर्धा में भी आपको जीत हासिल कराएंगे। व्यापार में निवेश करने से शनि आपको बहुत अच्छे लाभ भी देंगे, जिसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। नई योजना के साथ आप अपने काम को आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। और इस दौरान जो जून के महीने का मध्य समय होगा, तब क्या होगा, पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो जाएगा, और ये सूर्य का गोचर नए कारोबारियों को और साथ में जो भी व्यापार करने वाले हैं, पुराने व्यापार कर रहे हैं या आपने अभी शुरू किया है, उनके लिए उचित मार्ग खोलेगा। आप किसी दूसरे क्षेत्र में भी व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ मदद बहुत अच्छी होगी। तो इन दोनों ग्रहों की ही कृपा से ये दो महीने आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम होने वाले हैं। और मंगल जब गुरु के साथ आ जाएंगे मई के महीने में, मध्य माह के बाद, मई के महीने की बात कर रहे हैं, तो मंगल और गुरु की जो एक साथ युति हो जाएगी, शुक्र यहां से चले जाएंगे, ये 17 मई को युति होगी, तब आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ भी देखने को मिलेगा। ये युति जून के महीने तक रहेगी। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, ससुराल पक्ष से सहयोग भी आपको मिल सकता है, कोई आपके बिजनेस में आपकी पूरी तरह से मदद कर सकता है, जिससे आपकी मेहनत कारगर साबित होगी। आप अपने फंसे हुए धन को भी निकाल सकते हैं, कहीं आपका धन फंसा हुआ था तो। तो ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी निर्मित होने वाली हैं, इनका लाभ आप जरूर उठाएं। अभी से अपने काम पर आपको पूर्ण तरह से जो ध्यान है उसको आपको जरूर देना चाहिए। प्रेम जीवन में भी ठीक ठाक रहेगा, हालांकि बीच बीच में मंगल जो है कुछ टकराव की स्थितियां बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ठीक रहेगा। बस एक दूसरे के प्रति आपको विश्वास को बनाकर रखना है, गलत फहमियों से आपको बचना होगा। तो शनि और बुध दोनों ही कमाल के रिजल्ट देंगे इन दो महीनों में, तो अपने किसी भी प्रयास में कमी बिल्कुल ना रखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।